हाय एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। तो चलिए हम अपनी पीजीबीपी के बारे में बातें और आगे बढ़ाते हैं। इनफैक्ट बहुत कम सेक्शंस बचे हुए हैं हम लोगों ने। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो हमने मेजरली सेक्शंस कवर कर लिए हैं, जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत की थी पीजीबीपी की। हम रिवाइज कर रहे थे सेक्शन 28 से लेकर 44 तक हमें करने होते हैं, और हमने लास्ट लेक्चर में ऑडिट के बारे में भी पढ़ा था, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स के बारे में भी पढ़ा था। तो हमने 44AA, 44AB वगैरह हमने डिस्कस कर लिए थे। अब जो मेनली बातें बची हैं वो एक मुझे बातें करनी है, प्रिजम्पटिव स्कीम के सेक्शंस आते हैं 44AD, ADA और A, इन तीन सेक्शंस की बातें करूंगा और मैं कह सकता हूं कि हमारा पीजीबीपी ऑफिशियली यहां पर खत्म हो जाता है। हाँ, एग्रीकल्चर इनकम को भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ नहीं पढ़ाया था, तो वो मैं भी इधर ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज हम इस लेक्चर में हम इसकी बातें कर लेंगे, एग्रीकल्चर इनकम के लिए आप नेक्स्ट पार्ट पर चले जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वैसे ऑफिशियली पीजीबीपी यहाँ पर खत्म हो जाता है। चलिए प्रिजम्पटिव स्कीम के बारे में जानते हैं थोड़ा, और ये सेक्शंस हमेशा से एग्जामिनर के फेवरेट रहते हैं, एग्जामिनर इसमें से क्वेश्चन पूछता है। और मैं आपको बता दूं कि इन दोनों सेक्शंस में तो इस बार अमेंडमेंट भी आई है, तो इसलिए ये थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब सुपर इंपॉर्टेंट कह सकते हो, इंपॉर्टेंट तो रहती हैं ये सेक्शंस, सुपर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं अमेंडमेंट आने की वजह से। तो आप इसको May 24 में या November 24 में एग्जाम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट? ओके, अच्छा, प्रिजम्पटिव स्कीम है ना, अगर ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, जनरली जो प्रिजम्पटिव स्कीम में पीजीबीपी के सेक्शंस है ना, 44AD, 44ADA, 44AE और कुछ और सेक्शंस भी हैं, 44B, BB, BBA वगैरह, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हमारे नेक्स्ट लेवल पर सीए फाइनल में हम पढ़ेंगे। सीए इंटरमीडिएट में हमारे पास तीन ही सेक्शंस हैं प्रिजम्पटिव स्कीम के, AD, ADA और AE। AE में कोई अमेंडमेंट नहीं है वैसे, ठीक है, बट हाँ अगेन इंपॉर्टेंट तो रहती है सेक्शन। AE होता है उन लोगों के लिए जो इस तरह के बिजनेस में एंगेज हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के, गुड्स व्हीकल को वो हायरिंग, लीजिंग, फ्लाइंग ऑफ गुड्स व्हीकल के ऐसे बिजनेस में एंगेज हैं, ट्रांसपोर्टर्स वगैरह, उन लोगों के लिए 44AE आता है, मैं उसकी बातें करूंगा। 44ADA आता है नोटिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए। आपको याद होगा जब मैं आपको लास्ट लेक्चर में मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में पढ़ा रहा था, कौन सा सेक्शन था वो, 44AA, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का। तो मैंने बोला था कि हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं, डिपेंड करता है असेसी कौन है। तो अगर वो असेसी नोटिफाइड प्रोफेशनल्स है, नोटिफाइड प्रोफेशनल्स में हमने कुछ प्रोफेशंस की लिस्ट पढ़ी थी, वहाँ पर आते हैं मेडिकल प्रोफेशनल्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं, आर्किटेक्ट्स आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, फिल्म आर्टिस्ट वगैरह, राइट? तो नोटिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए मैंने कहा था कि उनके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनको मेंटेन करना ज़रूरी होता है, और साथ साथ में अगर उनका लास्ट 3 ईयर्स का टर्नओवर, मतलब ग्रॉस रेसिट्स, उनके लिए प्रोफेशंस के लिए हम जनरली ग्रॉस रेसिट्स बोलते हैं, 1.5 लाख से अगर ज़्यादा है तीनों ही साल की, तो उनको प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। मतलब मिनिमम तो करने ही करने पड़ेंगे, बट हाँ अगर 1.5 लाख वाली कंडीशन से एक्सीड हो जाता है तो प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। उन्हीं लोगों के लिए जो लोग नोटिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों के लिए ही ये सेक्शन है 44ADA कि आप प्रिजम्पटिव स्कीम में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो 44A गुड्स ट्रांसपोर्ट वाला होगा, 44ADA नोटिफाइड प्रोफेशनल्स का हुआ, और 44AD बाकी अदर बिजनेसेस के लिए होता है। देखिए एक बहुत थंब रूल है इसको समझने का, ये जो प्रिजम्पटिव स्कीम क्या दी गई है ना इनकम टैक्स में, ये स्पेशली ये तीन सेक्शंस, ये तीन सेक्शंस का मोटिव ये है कि जिन लोगों का बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होता, बहुत बड़ा प्रोफेशंस नहीं होता, उन लोगों के लिए प्रिजम्पटिव स्कीम है। नाम से आप समझते हैं प्रिजम्पटिव स्कीम का मतलब होता है नोशनल बेसिस पर, ये आपकी डीम्ड इनकम मानी जाती है। आपको फिर अपनी एक्चुअल इनकम, अगर आप इस सेक्शंस में आना चाहते हैं, मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर आप इस स्कीम में आना चाहते हैं, तो फिर आपको अपनी एक्चुअल इनकम कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले 3-4 लेक्चर्स में पढ़ रहे थे, सेक्शन 28 से लेकर इससे पहले अगर मैं बोलता हूं तो सेक्शन 43 तक जितने भी हमने सेक्शंस पढ़े थे, वहां पर हम क्या कर रहे थे, वहां पर हम असेसी की एक्चुअल इनकम कंप्यूट करने का देख रहे थे कि कौन कौन सी डिडक्शंस उनको मिलेंगी 30 से लेकर 37 तक, कुछ ऐसी बातें कर रहे थे, कौन कौन सी पीजीबीपी इनकम होती है उनकी 28 में 41 में, ठीक है, कौन कौन से एक्सपेंसेस उनको अलाउड नहीं होते हैं 40 स्मॉल ए, 40A2, 40A3, 10,000 से वगैरह की हम बातें कर रहे थे। वहां पर हम लोग असेसी की एक्चुअल इनकम कंप्यूट कर रहे थे,
बट बिल्कुल उसके कॉन्ट्रास्ट में, बिल्कुल उसके अपोजिट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम असेसी की एक्चुअल इनकम कंप्यूट नहीं कर रहे हैं। आज इनकम टैक्स हमें एक फैसिलिटी दे रहा है कि असेसी अगर आप इन सेक्शंस की, जिस भी सेक्शन में वो आ रहा है, अगर आप उन सेक्शंस की कंडीशंस को फुलफिल कर देते हैं तो आपके पास एक फैसिलिटी है कि आप अपनी डीम्ड इनकम के ऊपर को पीजीबीपी इनकम मान लीजिए और उस पर टैक्स दे दीजिए, राइट। तो यहां पर तो मैंने क्या बोला, थंब रूल क्या है, बहुत बड़े असेसी इसके लिए नहीं होता, ये छोटे बिजनेसेस या छोटे प्रोफेशंस के लिए होता है। तो उसका एक पैरामीटर बनाया हुआ है कि पैरामीटर ये है कि टर्नओवर अगर आपका बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप स्कीम में आ सकते हैं। तो बेसिक ये इसका कंसेप्ट होता है प्रिजर्वेटिव इनकम का, राइट। आई बिलीव आपको याद आ गया होगा। अब थोड़ी सी टेक्निकल बातें कर लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल हैं, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, और अगर अगर वो एलिजिबल हैं तो उनको किस हिसाब से अपना टैक्स देना होगा, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप अच्छा पेज नंबर 5.23 है ये हैंड रिटन बुक का, जो आपने डाउनलोड कर ली होगी ऑलरेडी, rajatmogha.com पर ये अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्मेट में। ओके, मैं इसलिए हर बार बता देता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट ने पुराने लेक्चर्स अगर मिस कर दिए तो यहाँ से अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ उसको पता चल जाए कि ये अवेलेबल है आपके पास। ओके जी, बातें करें। जैसे मैंने कहा था कि व्हाट इज प्रेजम्प्टिव बेसिस, तो प्रेजम्प्टिव बेसिस में आपकी नोशनल इनकम के बेसिस पर हम आपकी को इनकम एज्यूम कर लेते हैं, और आपके ऊपर सेक्शन 28 से लेकर 43 सी वगैरह के, इससे 44 से पहले भी लेके जितने भी सेक्शंस हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल फिर नहीं होते। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, ये आपके एमसीक्यू के लिए ठीक ठाक बात है, इस पर एमसीक्यू बन सकता है। ये बोलते हैं कि कौन कौन एसएससी इसके लिए एलिजिबल है। जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़े एसएससी इसके लिए नहीं होता, मतलब कंपनीज वगैरह के लिए तो ये सेक्शन होगा नहीं, तो ये सेक्शन बना है इंडिविजुअल के लिए या एचयूएफ के लिए। पार्टनरशिप फर्म भी इसमें आ सकती हैं, बट अगर वो एलएलपी हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, वो लोग नहीं आ सकते, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म्स आ सकती हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा, एक इंडिविजुअल, एक एचयूएफ और नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म। नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म मतलब मैं एलएलपी को नहीं मान रहा हूँ इसमें, ठीक है, ये लोग इसमें आ सकते हैं, ये एलिजिबल है। दूसरी बात सर, अगर हम नॉन रेसिडेंट हैं क्या हम लोग आ सकते हैं? नहीं सर, सॉरी, नॉन रेसिडेंट असेसी यहाँ पर अलाउड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट असेसी ही यहाँ पर अलाउड होगा। याद रहेगी ये बात थोड़ी सी याद रखनी है आपको, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म एक्सक्लूडिंग एलएलपी इसमें नहीं आएगी। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करे बिल्कुल मत होइएगा, कंपनीज एलएलपीज वगैरह के लिए ये सेक्शन नहीं है, नॉन रेसिडेंट के लिए सेक्शन नहीं है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म, अगर आप एक रेसिडेंट है तो आप इसमें आ सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप ये बड़ी बड़ी डिडक्शंस लेते हैं तो आप भी नहीं आ सकते, बिल्कुल वही थंब रूल है, बड़े लोगों के लिए बना ही नहीं है। बड़े लोगों का मतलब ये है कि जिनका बहुत ज़्यादा बिजनेस है, जो बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी डिडक्शंस लेते हैं, जो हैवी डिडक्शंस होती हैं, तो जैसे सेक्शन 10A, 10AA, SEZ वगैरह की होती हैं डिडक्शंस, अगर आप ऐसे सेक्शंस की डिडक्शंस लेते हैं तो सर आपके लिए सेक्शन नहीं है, ठीक है, ये तो हम छोटे मोटे लोगों के लिए सेक्शन बना हुआ है, राइट। तो 10A, 10AA वगैरह कि अगर आप डिडक्शंस लेते हैं SEZ वगैरह की, या फिर चैप्टर 6A की कौन सी डिडक्शन, 80C 80D, वो तो छोटी मोटी डिडक्शंस है, जो बड़ी बड़ी डिडक्शंस होती हैं 80I से लेकर 80RRB वाली डिडक्शंस। सर ये 80I वगैरह की डिडक्शन तो हमने सुनी ही नहीं है कौन सी होती है, बिल्कुल सही बात है, आपने क्यों नहीं सुनी है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हाँ, RRB सुना सुना लग रहा है, QQB सुना सुना लगता है, JJAA सुना सुना लगता है, ये जो सेक्शंस है ना 80I, IA, IB वगैरह, ये हम लोग अपने फाइनल लेवल पर पढ़ेंगे, CA इंटरमीडिएट में ये सिलेबस में भी नहीं होते सेक्शंस। बट हाँ, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं इनके बारे में कि ये हैवी डिडक्शंस होती हैं, ये हैवी डिडक्शंस होती हैं, और जनरली जब आप फाइनल में आएंगे, जब आप पढ़ेंगे इसको, तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसे बिजनेसेस के लिए हैं जो लार्ज स्केल पर ऑपरेट करते हैं। तो हाँ, इसकी एक्सेप्शंस हैं QQB, RRB, ऑथर वगैरह को, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स वगैरह पर, JJAA हमने देखा था, न्यू वर्कमैन के लिए बातें भी मैं करूँगा, अगर आपको सेक्शन थोड़े थोड़े रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, बातें हम लोग कर लेंगे डिडक्शन के चैप्टर में, ठीक है। हाँ, बट जो हेडिंग सी वाले चैप्टर 6 से होता है, तो हेडिंग सी क्या होता है, देखो 80C से लेकर 80U, ये तो पूरा चैप्टर 6 से है, इसमें इस वाले पार्ट को हेडिंग सी बोला जाता है, जिसको हम कहते हैं
प्रॉफिट लिंक्ड डिडक्शंस, ये प्रॉफिट लिंक्ड डिडक्शंस होती हैं। अगर आपके ऐसे बिजनेस हैं वहां से आपके प्रॉफिट आ रहे हैं तब आपको डिडक्शंस मिलती हैं। तो अगर असेसी ऐसी डिडक्शंस लेता है, 10A 10AA वाली डिडक्शंस लेता है, तो आप लोगों के लिए फिर ये सेक्शन नहीं है। ठीक है, तो समझ लो, समझ के एलिजिबल कौन कौन होगा। इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप फर्म LLP नहीं है, कंपनी नहीं है, रेसिडेंट होना चाहिए, बट अगर आप ऐसी डिडक्शंस लेते हैं तो आपके लिए भी ये नहीं है। कुछ और बातें, और किन लोगों के लिए नहीं है। अच्छा, अब ये जो दो बातें ना, ये बहुत बेसिक बातें हैं। अब मुझे बताइए, जिन लोगों के लिए स्पेसिफिक सेक्शन 44ADA बना दिया गया, ठीक है, किन लोगों के लिए बना दिया गया, अभी हम देख लेंगे कुछ देर बाद ही। नोटिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए, जब नोटिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए हमने ये सेक्शन बना दिया, तो बॉस आप इस सेक्शन में क्या कर रहे हैं, आप इस सेक्शन में अलाउड नहीं है, राइट। यानी कि अगर कोई नोटिफाइड प्रोफेशनल वाला ये बोलेगा कि सर मैं इस सेक्शन में नहीं आना चाहता, क्या मैं इस सेक्शन में आ सकता हूँ, भाई क्यों आ रहा है सेक्शन में, इसमें आपके लिए तो नोटिफाइड सेक्शन बना हुआ है ना, एक स्पेसिफिक सेक्शन। तो जो लोग इस सेक्शन के लिए एलिजिबल हैं वो यहाँ पर नहीं आ सकते, ठीक है, क्योंकि वो कोशिश करेगा यहाँ पर आने की, क्योंकि मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद जब आप ये दोनों सेक्शंस रिवाइज कर लेंगे तो आपको पता चलेगा, वैसे भी आपको पता होगा कि यहाँ पर जो प्रिजम्पटिव स्कीम की इनकम लेते हैं वो 50% लेते हैं आपके टर्नओवर का, ग्रॉस एसेट्स का 50%, यहाँ पर लेते हैं 6% लेते हैं, कुछ केसेस में 8% लेते हैं, अभी डिस्कस कर लूंगा। तो यहाँ पर देखिए 50% और 6 और 8%, तो हर कोई यहाँ पर आना चाहेगा, तो हम इसको बोलेंगे नहीं बॉस, अगर आप ऐसे सेक्शन के लिए एलिजिबल हैं, आपकी अगर एलिजिबिलिटी यहाँ पर सेटिस्फाइड होती है, आप नोटिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, तो आप यहाँ पर मत आइए, आपके लिए यहाँ पर हमने लॉक कर दिया दरवाज़ा, आप नहीं आ सकते यहाँ पर, बाहर रहिए आप 44ADA में जाइए अगर प्रिजम्पटिव स्कीम लेनी है तो, ठीक है, क्लियर है। दूसरी बात 44A, सेम बात है यहाँ पर, अगर आप 44A के लिए एलिजिबल होते हैं, आप वो गुड्स व्हीकल वगैरह फ्लाइंग हायरिंग लीजिंग वाला बिजनेस है आपका, तो आपके लिए तो एक स्पेसिफिक सेक्शन है, आप भाई सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम आपको मना कर देंगे कि आप लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, ठीक है। तो दो पॉइंट्स तो बहुत लॉजिकल भी हैं। तो हु आर नॉट एलिजिबल, जैसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, पर्सन कैरिंग नोटिफाइड प्रोफेशंस, नोटिफाइड प्रोफेशंस क्या होते हैं, जो हम सेक्शन 44AA में जब हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स वाला पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने नोटिफाइड प्रोफेशंस पढ़े थे, जो लोग मेंशन है 44AA में, ठीक है, 44AA में ये लोग मेंशन थे, राइट। क्यों इनको मना कर दिया, सर हमने आपके लिए एक अलग से एक अच्छा सा सेक्शन बनाया हुआ है 44ADA, आप वहां पर जाइएगा, इसलिए आप यहां पर नहीं आ सकते, ठीक है। सेम बात लिखी है, जो लोग 44AE में कवर्ड हैं वो लोग यहां पर नहीं आ सकते, ठीक है, क्योंकि हम लोग कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं 44AD। बॉस आपके लिए तो ये स्पेसिफिक सेक्शन है ना, आप जनरल सेक्शन में क्यों आते हैं, क्लियर है बात, सिंपल बातें हैं बिल्कुल। दूसरी बात, अगर आप पर्सन कैरिंग ऑन एजेंसी बिजनेस, अगर आपका एजेंसी बिजनेस है, बल्कि इन दोनों को आप एक साथ ही पढ़ लीजिए, अगर आपका एजेंसी बिजनेस है या आप इनकम अर्न करते हैं इन द नेचर ऑफ कमीशन या ब्रोकरेज, तो आप इस सेक्शन में नहीं आइए। क्यों नहीं आइए, ठीक है, वैसे तो आपको याद करना है, पर मैं आपको बता देता हूँ एक मिनट में क्यों नहीं आइए ये लोग। देखिए, जिनका एजेंसी बिजनेस होता है या कमीशन या ब्रोकरेज जिस तरह के बिजनेस होते हैं, जनरली जो इनका प्रॉफिट नेट प्रॉफिट वगैरह होता है, ये अपना कितनी कमीशन लेते हैं, जनरली 0.5%, 1%, 2%, तो ये लोग तो काम ही 1-3% पर करते हैं, और यहाँ पर तो हमने प्रेजम्प्टिव इनकम कितनी रखी हुई है, अभी हम देख लेंगे, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने रेफरेंस दिया था 6% या 8% है, तो ये लोग यहाँ के लिए एलिजिबल नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ये लोग तो काम ही 1% और 2% की कमीशन या ब्रोकरेज पर करते हैं। इसलिए पर्सन कैरिंग ऑन एजेंसी बिजनेस, पर्सन अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज, आप यहाँ पर मत आइए, क्योंकि यहाँ तो हम मिनिमम ही 6% या मिनिमम 8% लेते हैं। कब 6 लेते हैं, कब 8 लेते हैं, अभी बस 2 मिनट रुक चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, बिल्कुल बातें क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बहुत ईजी है। PGBP भी तो किसने कहा था मुश्किल है, देखो आप लोगों ने ये 4-5 क्लासेस जितनी, आज कौन सी 5th क्लास है, 4th क्लास है, जो भी है, ठीक है, देखो कितनी कर ली ना, ईजी थी ना, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है, बस उसको दिल से पढ़िए आप, कि उसमें इंटरेस्ट, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका मैक्सिमम इंटरेस्ट आए इसमें, और आई बिलीव आ भी गया होगा, राइट, ओके। और प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दीजिए कि हाउ यू आर फाइंडिंग दीज रिविजन लेक्चर्स, क्या मैं आगे भी कंटिन्यू करूँ, मुझे रिक्वेस्ट आ रही है GST के लिए भी, तो डोंट वरी, मैं GST भी इसके बाद ही शुरू करूँगा, जैसे इनकम टैक्स एक बार हमारी सीरीज खत्म होती है, तो आई स्टार्ट विद द GST ऑल्सो, और टाइमली आपका फेब्रवरी में ही पूरा ये सारी चीज़ें खत्म भी हो जाएंगी, राइट,
ओके एंड प्लीज गिव मी द फीडबैक हाउ यू आर फाइंडिंग दिस क्लासेस, क्या आपके लिए यूजफुल हैं या नहीं है। अगर हैं तो बताइए कि यूजफुल हैं, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अगर नहीं लग रहा तो प्लीज़ बताइए उस कमेंट में, लिखिए कि सर अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है समझ में नहीं आया कुछ चीज़ें, ठीक है किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहिए, बिकॉज आई नीड बोथ द फीडबैक्स, पॉजिटिव भी पर उससे ज़्यादा मुझे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक चाहिए आपके। कंस्ट्रक्टिव मतलब एक तरीके से कह सकते हैं नेगेटिव फीडबैक भी चाहिए, राइट। ओके प्लीज़ शेयर योर व्यूज, ठीक है कमेंट ज़रूर करिए उस पर, ठीक है लाइक कीजिए नहीं कीजिए इट्स ओके विद मी, बट प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए थ्रू कमेंट्स। ओके यहाँ पर ये बातें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक अमेंडमेंट आई है। अब देखो बहुत आसान सी अमेंडमेंट आई है ये। पहले क्या होता था लास्ट ईयर तक, ये होता था कि जैसे मैंने कहा था कि मेन यहाँ पर थंब रूल क्या है कि बहुत जो बड़े एसएससीज हैं, जो बहुत बड़े एसएससीज हैं उन लोगों के लिए ये सेक्शन नहीं आता। तो उसके लिए क्या पैरामीटर बनाया हुआ था, पैरामीटर बनाया हुआ था 2 करोड़। अगर आपका प्रीवियस ईयर का टर्न ओवर, अगर आपका प्रीवियस ईयर का टर्न ओवर 2 करोड़ तक है तो आप इस सेक्शन को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो आप ये सेक्शन को नहीं ले सकते, राइट। तो पैरा इसका क्रिटेरिया बनाया हुआ था, इसका पैरामीटर था 2 करोड़ रुपए कि आपका प्रीवियस है, जैसे हमारा प्रीवियस है क्या चल रहा है 23-24। तो असेसी इंडिविजुअल एचयूएफ या पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट एलएलपी, आप अगर इस ईयर में, इस प्रीवियस ईयर में प्रिजम्प्टिव स्कीम लेना चाहते हैं, अब इसमें प्रिजम्प्टिव स्कीम लेना चाहते हैं तो आपका इस ईयर का टर्नओवर कितना होना चाहिए 2 करोड़ तक, बस अप टू 2 करोड़ तक होगा तो ठीक है, मोर देन इससे होगा तो नहीं है, फिर आप नहीं आ सकते। इस टर्नओवर को, ये टर्नओवर को पूरी तरह चेंज नहीं करा गया, बट एक टर्नओवर इसमें और ऐड कर दिया गया, एक टर्नओवर इसमें और ऐड कर दिया गया। आज भी तो 2 करोड़ वाला टर्नओवर है, बट इसमें 3 करोड़ और ऐड कर दिया गया, यानी कि आज क्या देखेंगे हम 2 करोड़ भी देखेंगे, 3 करोड़ भी देखेंगे, ठीक है। आज हमने इस लिमिट को एक और लिमिट लेकर आ गए और वो थोड़ी ज्यादा लिमिट रखी, कितनी 3 करोड़, यानी कि अगर आपका टर्नओवर 3 करोड़ भी है तो भी इस सेक्शन में आप आ सकते हैं, बट शर्त ये है, कंडीशन ये है कि आपकी कैश ट्रांजेक्शन्स, जितनी भी आपकी कैश रिसिट्स हैं ड्यूरिंग द ईयर, वो बिल्कुल कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके बिल्कुल ना के बराबर कैश रिसिट्स हैं, वो बिल्कुल ना के बराबर है, यानी कि बिल्कुल मिनिमम आपकी कैश रिसिट्स हैं, तब हम आपके लिए टर्नओवर लेंगे 3 करोड़। बट अगर आपकी कैश ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा हैं, कैश रिसिट्स, यहाँ पे कैश रिसिट्स और कैश पेमेंट दोनों नहीं देखना, सिर्फ कैश रिसिट्स देखना है, जितना भी आपको कैश रिसीव हुआ है ड्यूरिंग दिस प्रीवियस ईयर। अगर आपको कैश रिसीव हुआ है ज्यादा तो 2 करोड़ लिमिट हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। अगर आपको कैश रिसीव हुआ है कम तो आपके लिए हम लिमिट देखेंगे 3 करोड़। 2 करोड़ से नीचे तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर कोई हमारे पास क्लाइंट आता है और वो हमसे बोलता है कि सर मेरा टर्न ओवर 1.5 करोड़ है, 1.6 है, 1.8 है, 1.9 है या 2 करोड़ भी है, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि 2 करोड़ तक तो वाले तो आ ही सकते हैं। बट अगर कोई कहता है कि मेरा टर्नओवर सर मेरा 2.4 करोड़ है, यानी कि उसके लिए फिर ये 2 करोड़ से तो ऊपर है, तो क्या हम उसके लिए 3 करोड़ वाली लिमिट में उसको हम लें या ना लें, डिपेंड करता है कि बॉस आपने कितना कैश रिसीव किया ड्यूरिंग द ईयर। तो अगर आपने बिल्कुल कम से कम कैश रिसीव किया, सर ये बता दीजिए कम से कम का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, क्या उसको कुछ परसेंटेज दी है? हाँ जी दी है। इन्होंने बोला है कि जितने भी आपकी टोटल रिसिट्स होती है ड्यूरिंग द ईयर, जितनी भी आपकी टोटल रिसिट्स होती है उसमें से आपकी कैश रिसिट्स अगर बस कम्स बस मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5% है बस, तो हम आपके लिए 3 करोड़ की लिमिट लेंगे। यानी कि अगर आपको 100 रुपए रिसीव होते हैं तो बस उसमें से 5 रुपए आप कैश में ले सकते हो, राइट राइट। अगर आपने 6 रुपए लिए या 5.5 रुपए लिए हैं कैश में, इसका मतलब 5% से ज्यादा है, तो फिर हम आपके लिए 3 करोड़ वाली लिमिट नहीं लेंगे, 2 करोड़ की लिमिट लेंगे। बस यही अमेंडमेंट, सब लोग समझ के दोबारा से रिपीट करता हूं और मैं इसको एग्जांपल के साथ बताऊंगा अभी आपको। जनरली क्या लिमिट थी इससे पहले, अमेंडमेंट से पहले देखिए, सबके लिए था 2 करोड़। 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, आप 2 करोड़ तक है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम कैश रिसिट्स वगैरह कुछ देखते नहीं है, 2 करोड़ तक है मोस्ट वेलकम, आप इस सेक्शन में आ सकते हैं। हाँ, प्रोवाइडेड आप दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, आप रेसिडेंट हो, इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म अदर देन एलएलपी हो, राइट। बट हाँ, अगर आपकी
कैश रिसेट्स ड्यूरिंग दिस प्रीवियस ईयर, मान लेते हैं टोटल रिसेट्स में से मैक्सिमम तो बैंक से आई, थोड़ी बहुत कैश से आ गई, कितनी 1%, 2%, 3%, 4%, 5% तक, तो हम आपके लिए 3 करोड़ की लिमिट ले लेंगे, ठीक है। और आप आराम से निकाल सकते हो ना टोटल रिसेट्स में से कैश रिसेट्स कितनी होती है, सिंपल है ना, ये तो आप मुझे पता है कि आप एक्सपर्ट हो, सिंपल क्या करो, कैश रिसेट्स देखो कितनी है, अपॉन ये देखो टोटल रिसेट्स कितनी है, बस इसकी परसेंटेज निकाल दो, परसेंट का बटन दबा दो कैलकुलेटर पर, ठीक है, इतना आपको पता ही है, आप एक्सपर्ट हैं, या फिर अगर मैं बिल्कुल बच्चों की तरह बता देता हूँ तो 200 कर दीजिए, ये निकाल दीजिए परसेंटेज कितनी है, राइट। तो आपकी कैश रिसेट्स डिवाइडेड बाई टोटल रिसेट्स, अच्छा टोटल रिसेट्स का मतलब क्या हुआ, टोटल रिसेट मतलब सर जैसे भी आई है रिसेट्स, इसमें कैश से भी आई होंगी, इसमें बैंक से भी आई होंगी, सबका टोटल करिएगा, कैश रिसेट्स अपॉन टोटल रिसेट्स इन 200, ठीक है। आप ये चाहे नोट कर लीजिएगा, ये इस तरीके से परसेंटेज निकालनी है आपको, ये बच्चों की तरह 100 भी हटा देता हूँ, सिंपल लिख देता हूँ, ठीक है, मुझे पता है आप लोग जानते हैं, कैश रिसेट्स अपॉन टोटल रिसेट्स परसेंटेज निकाल दीजिए। अगर ये अप टू 5% है, 5% से ज़्यादा नहीं जा रही, 5% तक ही है, तो 3 करोड़ लिमिट देखनी है आपके लिए। अगर ये 5% से ज़्यादा है तो फिर हम 2 करोड़ की लिमिट देखेंगे आपके लिए, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अभी बस मैं एक चीज़ और बता देता हूँ और फिर उसके बाद ना मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल के साथ ये डिस्कस करूँगा थोड़ा डिटेल में, क्योंकि अमेंडमेंट है और आपको पता है ये सेक्शन वैसे ही इंपॉर्टेंट था, अमेंडमेंट आने से सुपर इंपॉर्टेंट हो गया है, ओके। एनी बिजनेस वेयर टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर एक्सीड्स 3 करोड़ वो लोग आ सकते हैं, बट इफ द एग्रीगेट ऑफ द कैश रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 5% से एक्सीड कर जाती है, तो फिर हम आपके लिए 3 करोड़ नहीं देखेंगे, फिर आपके लिए हम 2 करोड़ रुपए देखेंगे, राइट। तो आज की लिमिट 2 करोड़ भी है, 3 करोड़ भी है, 3 करोड़ उनके लिए जो मेजरली बैंकिंग मोड से पैसे लेते हैं, और 2 करोड़ उनके लिए जिनकी कैश ट्रांजेक्शन 5% से ज्यादा की हो जाती है। सिर्फ कैश रिसिप्ट कैश पेमेंट दोनों देखना है या सिर्फ कैश रिसिप्ट देखना है, कैश रिसिप्ट देखना है, ठीक है, जितना रिसीव्ड होता है, पेमेंट नहीं देखनी यहाँ पर, क्योंकि टर्नओवर देखो। अब इसको याद कैसे करोगे, अब कुछ स्टूडेंट्स याद करने लगते हैं कि यार पेमेंट नहीं देखनी, सिर्फ रिसिप्ट देखनी है, तो रिसिप्ट याद रखो। अरे बहुत सिंपल सी बात है, थोड़ा सा लॉजिक लगा लो ना आप लोग, देखो लॉजिक हम सिंपल लगा सकते हैं, मुझे पता है आप, देखो हम किसकी बातें कर रहे हैं, टर्नओवर की, तो टर्नओवर क्या होता है, सेल्स होती है, हमारी इनकम ही होती है, तो पैसे मिलेंगे ही ना, ठीक है, हम परचेस तो देख नहीं रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर हम पैसे पे करते हैं, यहाँ तो बातें ही टर्नओवर की होती है कि आपका टर्नओवर 2 करोड़ लेंगे या 3 करोड़ लेंगे, तो टर्नओवर जैसा भी है वो तो पैसे आएंगे ही ना, तो इसलिए हम कैश रिसिट्स देखते हैं, हम पेमेंट देखते ही नहीं, बिल्कुल लॉजिकल बातें हैं, ओके। अब नेक्स्ट बात आती है कि सर ठीक है सर, हम ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, अब ये बता दीजिए कि हमें प्रिजम्पटिव इनकम कितनी हम मानेंगे, नोशनल इनकम हम कितनी मानेंगे। तो बोला गया, अगर आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो बोला गया कि जितना भी आपको टर्नओवर आया उसके 2 पार्ट खींचिए, कैश में कितना आया, और जब भी मैं कैश की बातें करता हूँ तो आपको पता है मैं बातें बेरर चेक की भी करता हूँ और साथ साथ में क्रॉस चेक की भी करता हूँ, क्योंकि वो भी एज गुड एज कैश ही माने जाते हैं। अकाउंट पे ही चेक नहीं, अकाउंट पे ही चेक तो बैंकिंग मोड माना जाता है, ऐसे तो बहुत बढ़िया है कि अकाउंट पे ही चेक वाला लीजिए आप, तो अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, UPI, पेटीएम, भीम वगैरह, RTGS, NEFT, वो तो सब बैंकिंग ट्रांजेक्शन है। तो मैं बातें कर रहा था कि हाउ मच विल बी द प्रिजम्पटिव इनकम, हम अपनी प्रिजम्पटिव इनकम लेंगे कितनी। तो आपको याद होगा हम अपने टोटल टर्नओवर जितना भी हमें मिला है उसके 2 पार्ट्स करते हैं, कैश में कितना मिला, कैश बेरर चेक या क्रॉस चेक से कितना मिला, और हमारा बैंकिंग मोड से कितना मिला। तो बैंकिंग मोड से जितना मिला उसका 6%, ठीक है, बैंकिंग मोड से जितना मिला उसका 6% मिनिमम है। अगर आप ज्यादा टैक्स देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं, राइट, इसकी बातें मैं अभी 2 मिनट के बाद ही कर लूँ, अभी 6% ही मानिए, 6% मिनिमम है, इससे ज्यादा देना चाहें दे सकते हैं, ये बातें अभी मैं 1-2 मिनट के बाद आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो बैंकिंग मोड से टर्नओवर के 2 पार्ट्स कीजिए, जितना कैश में मिला उसका 8% मिनिमम है, 8% ज्यादा भी देना चाहे दे सकते हैं, ठीक है, वो ज्यादा वाली बात है ना, अभी रुक जाइए बस। हाँ जी, टर्नओवर के आपने 2 पार्ट करे, कैश और बैंकिंग मोड, बैंकिंग मोड से जितना टर्नओवर है उसका 6% हम आपकी इनकम मान लेंगे, 6% हम आपकी इनकम मान लेंगे, जितना कैश में मिला है उसका 8% हम आपकी इनकम मान लेंगे। एक पॉइंट है छोटा सा जहां पर आपसे गलती हो सकती है, यहां पर एक बात याद रखिएगा, जो बैंकिंग मोड की तरफ आप लाइएगा कि सर ये पैसे मुझे बैंकिंग मोड से मिले, कब मिले, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल मिले, वो लेने हैं क्या, नहीं,
यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि हम बैंकिंग मोड पे जब टर्नओवर के पार्ट करेंगे, जो बैंकिंग मोड वाला होगा तो हम वो बैंक वाला रिसिट मानेंगे जो हमें पैसे बैंकिंग मोड के थ्रू रिसीव हो गए अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई। अगर कुछ पैसे हमें बैंकिंग मोड के थ्रू रिसीव हुए हैं बट आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ आरओआई, तो फिर तो वो कैश वाले मोड में चला जाएगा, राइट? करेक्ट। ये एक छोटी सी बात है जो स्टूडेंट्स अक्सर मिस कर देते हैं, करेक्ट। तो आप लोग टर्नओवर के अपने दो पार्ट कीजिए। अब मैं थोड़ा सा और रिफाइन तरीके से बता देता हूं, टर्नओवर के अपने दो पार्ट कीजिए। पहला पार्ट आपका जितना आपका बैंकिंग मोड के थ्रू मिला है पैसा अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई, और बाकी सारा रिमेनिंग इधर चला जाएगा। तो रिमेनिंग में क्या चला जाएगा, सारे कैश मोड इधर चला जाएगा, और वो भी जो पैसा आपको ड्यू डेट तक रिसीव नहीं हुआ आरओआई की, वो भी इधर ही चला जाएगा। तो इस वाले के लिए 6%, इस वाले के लिए 8% करना है, ठीक है? यही बातें लिखी हुई हैं, स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर एंड ग्रॉस एसेट्स डिपेंड अपॉन द मोड ऑफ सच रिसिट्स। किस किस तरीके से आपको पैसे मिले हैं, बैंकिंग मोड के थ्रू मिले हैं, बैंकिंग मोड आप ये सब जानते हैं क्या होता है, बट ये बातें याद रखना अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई, ठीक है? अच्छा मुझे बताइए, किसी व्यक्ति को का जो टैक्स बना है, बिल्कुल लॉजिकल बात है, याद बिल्कुल नहीं करना, किसी व्यक्ति का टैक्स बना है, ठीक है, मान लेते हैं वन लाख रुपीज का टैक्स बना है, 1 लाख रुपीज वो गवर्नमेंट को देना चाहता है, ठीक है, मोदी जी को वो 1 लाख रुपीज देना चाहता है। मोदी जी कहेंगे खुश है, अच्छी बात है भाई, टैक्स दीजिए। वो कहते सर मैं 1 लाख नहीं, मैं आपको ज्यादा पैसे देना चाहता हूँ, ठीक है, मेरा मन है, मैं वॉलंटरी आपको, मेरा टैक्स तो 1 लाख बनता है, बट मैं आपको 1,10,000 रुपये देना चाहता हूँ, मैं आपको 1,20,000 देना चाहता हूँ, मैं आपको 1,30,000 देना चाहता हूँ, मतलब ज्यादा देना चाहता है वो अपना टैक्स। 1 लाख तो उसका बनता ही बनता है मिनिमम। अगर वो ज्यादा टैक्स देना चाहता है तो मोदी जी क्या बोलेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट बोलेगी यू आर मोस्ट वेलकम यार, आप अगर ज्यादा टैक्स देना चाहते हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 लाख से कम मत दीजिएगा टैक्स, आपका मिनिमम तो हम 1 लाख ही लेंगे, 1 लाख से कम मत दीजिएगा, ज्यादा दे सकते हैं आप लोग। तो बिल्कुल सेम बात है यहाँ पर, है ना? तो ये 6% या 8% मिनिमम है। अगर कोई भी असेसी ये कहता है सर मैं इसके ऊपर मेरा 6% बनता है, मैं 7% देना चाहता हूँ, मैं 8% देना चाहता हूँ, 9% देना चाहता हूँ, मोस्ट वेलकम। 6% से कम देना चाहता हूँ, नहीं नहीं नहीं, वो गलत हो जाएगा, 6% से ऊपर दे सकते हैं। यहाँ पर अगर इस वाले केस में आपका 8% मिनिमम है, वो कहते हैं कि सर मैं 9%, 10%, 11%, मैं प्रेजम्प्टिव मान रहा हूँ 10%, ठीक है, 10% भी वो प्रेजम्प्टिव ही ले रहा है, तो क्या वो किसी और सेक्शन में चला जाएगा? नहीं, वो ज्यादा देना चाहता है टैक्स, अजम्पशन बेसिस पे दे रहा है, बट इस वाले केस के लिए मान लेते हैं 8% से ज्यादा देना चाह रहा है, दैट पर्सन इज मोस्ट वेलकम, वो भी इसी स्कीम में आएगा, 44AD ही सेक्शन कहलाया जाएगा। बट यानी कि मैं ये कह सकता हूँ ये तो मिनिमम है। अगर वॉलंटरी को ज्यादा टैक्स देना चाहता है, सर वॉलंटरी को कौन देता होगा, हाँ मैं मानता हूँ नहीं देते होंगे लोग, ठीक है, बहुत एक्सेप्शनल सिचुएशन में दे सकते हैं, बट यस अगर कोई देना चाहता है तो वो दे सकता है, ये मिनिमम है। द अबव परसेंटेजेस आर मिनिमम, असेसी कैन ऑल्सो प्रिज्यूम हायर परसेंटेज ऑन देयर इनकम, राइट? अब जरा मैं कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करना चाहूंगा, इसी बुक में आप थोड़ा सा आगे आ जाइएगा, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पर, पेज नंबर 5.28 पर आइए, ठीक है, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। और ये इन एग्जाम्पल्स को, ये 44AD के लिए एग्जाम्पल्स हैं, और इन एग्जाम्पल्स को बहुत इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, कितने 5 स्टार लगा देता हूं मैं इसको, ठीक है, इसको 5 स्टार लगा दीजिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग असेसीज आर कैरिंग रिटेल बिजनेसेस, डिटरमाइन whether they are eligible for presumptive income or not under section 44AD. तो सबसे पहले हमें ये determine करना है कि boss आप 44AD के लिए eligible हैं या नहीं है। If yes, अगर हैं, calculate their presumptive income. तो फिर इनकी presumptive income भी calculate करो, ठीक है, बहुत बढ़िया, हम आराम से कर सकते हैं इसको। ओके, अब जल्दी से मुझे बताइएगा, मिस्टर ए हैं, इंडिविजुअल हैं, चलिए ठीक है, कुछ भी नहीं दिया हुआ तो मान लेते हैं रेसिडेंट ही होंगे, बाकी कंडीशन में सेटिस्फाई मानते हुए चल रहा हूँ, सिर्फ टर्नओवर वाली बातें हमें देखनी होंगी। इनकी टोटल सेल्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 160 लाख की है। सर आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है, हम तो 2 करोड़ और 3 करोड़ की बातें करते हैं, आप तो 2 करोड़ से ऊपर जा ही नहीं रहे, तो इनके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, हम बोलेंगे सर वेलकम है आपका 44AD में, आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, 2 करोड़ से अगर आप ऊपर होते तो फिर हम आपकी कैश ट्रांजेक्शन चेक करते, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप 44AD में आ सकते हैं, ठीक है। अगर ये 44AD में आ सकते हैं, हमारा आंसर आ गया यस, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है
since the turnover of Mr. A is not more than 2 crore, the assessee is eligible for presumptive income under section 44. अरे मैंने A क्यों लिख दिया है, इसको A D लिखो, under section 44 A D, ठीक है। ओके, सिंस द टर्नओवर ऑफ मिस्टर ए, ठीक है, इस तरीके से स्टेटमेंट लिख सकते हैं आराम से, यस। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ गया कि कितना अमाउंट, कितना इनकी प्रेजम्प्टिव इनकम मानेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला था, 160 लाख के दो पार्ट कीजिए, 160 लाख के दो पार्ट कीजिए, कितना इनको बैंकिंग मोड से मिला, कितना इनको बैंकिंग मोड से मिला अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई, उसको यहां पर रखिए और बाकी का रिमेनिंग इधर रख दीजिएगा। तो इसका तो देना है 6% और इसका देना है 8%, सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पर लिखा हुआ है रिसीव थ्रू बैंकिंग मोड अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई 60 लाख, ओके जी। तो 160 लाख का 60 लाख तो हमें बैंकिंग मोड से मिला, इसका तो मिनिमम 6% ले लेंगे, और बाकी का जो रिमेनिंग है 100 लाख उसका हम ले लेंगे 8% मिनिमम, ठीक है। ज्यादा ले सकते हैं अगर एसएससी कहेगा तो, बट अगर एसएससी यहाँ पे कुछ नहीं कहेगा तो मिनिमम तो हम 6 or 8 ही लेंगे, राइट। तो 60 लाख का 6% हो जाता है कितना हो गया, 3.6 लाख ये हो गया, और 100 लाख का 8% हो जाता है 8 लाख प्लस 3.6 लाख, यानी कि टोटल कर दीजिएगा 11.6 लाख इनकी प्रिजम्प्टिव इनकम आ गई, 11.6 लाख। तो यहाँ पर मैंने बताया हुआ आपको करके प्रिजम्प्टिव इनकम 11.6 लाख, ठीक है। देख लीजिएगा प्रेजेंटेशन आप कैसे करेंगे, ठीक है। प्रिजम्प्टिव इनकम रिसीव थ्रू बैंकिंग मोड अप टू द, ये बात बस याद रखिएगा कि आपको बैंकिंग मोड लेना है। स्टूडेंट्स बस क्या करते हैं, बस बैंकिंग मोड से पूरा का पूरा 6% लगा देंगे, पर प्लीज देख लीजिएगा वो अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई हो, ठीक है। अगर ये अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई की बातें आपके क्वेश्चन में साइलेंट होना, तो एज्यूम कर लेते हैं फिर हम ये अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई पैसे मिल गए होंगे हमें, ठीक है। और रिमेनिंग के ऊपर 8% लगाया, तो टोटल 11.6 लाख इनकी प्रिजम्प्टिव इनकम हो गई एज पर सेक्शन 44 ए डी, राइट। अब देखो मिस्टर बी के लिए, देखिए मिस्टर बी का जो टर्नओवर है, टोटल सेल्स है, टर्नओवर है, वो है 240 लाख, 2 करोड़ से ऊपर है। अब सबसे पहले ये चेक कीजिए, क्या मिस्टर बी के ऊपर हम 2 करोड़ वाली लिमिट लगाएं या 3 करोड़ वाली लिमिट लगाएं। अगर मिस्टर बी के ऊपर 3 करोड़ वाली लिमिट लग जाती है तो फिर तो ये एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अगर इनके ऊपर 3 करोड़ की लिमिट सेटिस्फाइड हो जाती है तो ये एलिजिबल हो जाएंगे 44AD के लिए। बट अगर इनके ऊपर 3 करोड़ की लिमिट सेटिस्फाइड नहीं हुई, यानी कि फिर तो ये 2 करोड़ वाली लिमिट में आ जाएंगे, और क्योंकि इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, 200 लाख से ज्यादा है, 2 करोड़ मतलब 200 लाख से ज्यादा है, तो फिर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। देखो यहां पर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हमारे पास लिमिट होती है 2 करोड़ या 3 करोड़, तो वैसे भी इनकी अमाउंट ही 160 लाख था, तो यहां पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट यहां पर मैं कंसर्न इसलिए हूं, तो मुझे ये चेक करना है कि बॉस इनके ऊपर हम 3 करोड़ की लिमिट लगाएंगे या 2 करोड़ की लिमिट लगाएंगे। अगर इनको 3 करोड़ की लिमिट मिली तो फिर तो ठीक है, 3 करोड़ से ज्यादा नहीं जा रहा। बट अगर इनको लिमिट मिली 2 करोड़ की, तो बॉस फिर तो हम इनको मना कर देंगे कि आप एलिजिबल नहीं है। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या क्राइटेरिया, मैंने आपको बताया था क्या क्राइटेरिया होता है चेक करने का कि ये प्रिजम्प्टिव स्कीम में आएंगे, इनके ऊपर 3 करोड़ लगाएं या 2 करोड़ लगाएं। सर सिंपल है, इनकी कैश ट्रांजेक्शन देख लीजिएगा कि बॉस आपकी कोई मेजर कैश रिसिट्स तो नहीं है। अगर आपकी कैश रिसिट्स 5% तक है तो वी आर ओके विद इट, हम 3 करोड़ लगा देंगे। अगर आपकी कैश रिसिट्स 5% से ऊपर है तो फिर हम आपके लिए 2 करोड़ की लिमिट लगाएंगे, ठीक है। और कैश रिसिट्स की परसेंटेज कैसे निकालोगे मुझे बताओ। सर सिंपल है, सर ये तो बच्चे भी निकाल देंगे, टोटल रिसिट्स में से देख लेंगे कैश की कितनी है, कैश अपॉन टोटल रिसिट्स, हमारे पास कैलकुलेटर है ही है, हम इन परसेंटेज का साइन प्रेस करेंगे आ जाएगा। अच्छा जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, करिए, ठीक है, सिंपल है, मुझे लगता है आप कर सकते हैं। हाँ जी, तो इनकी 240 लाख में से पता चला कि बैंकिंग मोड के थ्रू रिसीव हुई है 200 लाख और कैश के थ्रू, कैश बेरर चेक या क्रॉस चेक के थ्रू रिसीव हुए 40 लाख, यानी कि टोटल रिसिट्स तो इनकी 240 थी, उसमें से कैश है 40। तो सिंपल करिए 40 divided by 240%, ठीक है, कितना आ रहा है, 40 कैश रिसिट्स डिवाइड बाय टोटल रिसिट्स, टोटल तो कर सकते हैं ना, तो मैं कर रहा हूं 40 divided by 240
है कि तुम्हारा 16.66% बहुत ज्यादा है। पर दोबारा चेक कर लूं, 4 डिवाइडेड बाय यही आ रहा है 16.66%। तो मेरे पास भी आ रहा है, दिख रहा है शायद, दिख रहा होगा 16.66%, 16.67% आ रहा है। इतनी कैश एसेट्स आपने ले ली है बॉस, आपके तो 5% से बहुत ज्यादा है। हम आपके लिए तो फिर 2 करोड़ की लिमिट लगाएंगे, और अगर आपके लिए 2 करोड़ की लिमिट का टर्नओवर था, आपका तो उससे ज्यादा टर्नओवर है, तो आप 44AD के लिए एलिजिबल नहीं है। क्लियर है, हम इनको मना कर देंगे कि बॉस आप लोग नहीं है। तो देख लीजिएगा, अगर आप टर्नओवर ऑफ मिस्टर बी इज मोर देन 2 करोड़, हाउएवर लेस देन 3 करोड़, इनका 2 करोड़ से ऊपर था पर 3 करोड़ से कम था, पर हमें चेक करना है क्या ये 3 करोड़ की लिमिट लगाएं या 2 करोड़ की लिमिट लगाएं। तो पता चला कि कैश रिसिप्ट की परसेंटेज कितनी है, देख लीजिए, सिंपल लिखा हुआ, याद बात कुछ नहीं करना आपको, सिंपल लॉजिक लगाइए कि बॉस आपकी कैश रिसीव कितनी हुई है, कितने परसेंट हुई है। तो 40 लाख की कैश रिसीव हुई है, टोटल 240 था, इनटू 100 या परसेंटेज कर दीजिएगा, 16.666 आ गया था, 16.67 मैंने लिख लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। सिंस इट इज, अब देखो बिल्कुल नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में लिखना है आप, ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। सिंस इट इज मोर देन 5%, ठीक है, लॉ के पेपर में, ऑडिट के पेपर में तो फिर भी हमें थोड़ी स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज चाहिए होती है, बट टेक्स्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। टेक्स्ट में तो आपको मेनी प्रोविजंस को वहां पर बताना होता है कि प्रोविजन मैंने यहां पर लगा दिया, बिल्कुल इसको सिंपल प्लेन इंग्लिश में आप लिखेंगे। तो सिंस इट इज मोर देन 5%, देयरफॉर 3 करोड़ लिमिट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू मिस्टर बी, हम तो 3 करोड़ की लिमिट आपके ऊपर लगाने वाले नहीं है, और अब इसलिए मिस्टर बी आप सेक्शन 44AD के लिए हो जाते हैं इनएलिजिबल, बॉस आप तो नहीं आ पाएंगे 44AD में, ठीक है। तो बस यहाँ पर बात ही खत्म हो गई, यहाँ पर फिर हमें इनकी प्रिजम्प्टिव इनकम निकालनी नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर ये एप्लीकेबल ही नहीं है इनके लिए। ओके, मिस्टर सी के बारे में बातें करते हैं, मुझे बताइएगा, इनकी टोटल टर्नओवर है 290, बैंकिंग मोड के थ्रू आया 280 और कैश के थ्रू आया 10, ऐसे देख लेते हैं, ठीक है, 290 टोटल, बैंकिंग मोड के थ्रू 280, कैश के थ्रू 10। देखो 290 लाख है, 2.9 लाख, क्या आंख बंद करके बता सकते हैं प्रेजेंटेड स्कीम में आएगा? नहीं नहीं सर, क्योंकि 2 करोड़ से तो ऊपर जा रहे हैं। तो अभी ये देखना पड़ेगा कि आपको मिस्टर सी को हम 3 करोड़ के पैरामीटर से चेक करें या 2 करोड़ के पैरामीटर से चेक करें, वो डिपेंड करता है इनकी कैश की परसेंटेज कितनी है। मुझे काफी कम लग रही है इनकी कैश, मुझे लग रहा है ठीक है। तो क्या करेंगे आप, 10 डिवाइडेड बाय 290 ना, 10 डिवाइडेड बाय 280 तो नहीं कह रहा कोई स्टूडेंट, ठीक है, 10 बाय 280 नहीं, ये तो सिर्फ बैंकिंग मोड है, हमें क्या लेनी है, टोटल रिसिट्स, तो टोटल रिसिट्स तो ये है, तो 10 अपॉन 290 इंटू 100 कितना आ रहा है, 10 अपॉन 290% 3.448, 3 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 3.4 आ रहा है यहाँ पर, 3.45 मैं बोल सकता हूँ सर, 5% से तो ज़्यादा है नहीं, 5% एग्जैक्ट होता तो भी हम 3 करोड़ दे देते, यहाँ तो सर 5% से भी कम है, तो आप तो 3 करोड़ वाली लिमिट में आ रहे हैं, और क्योंकि आपके 3 करोड़ से एक्सीड हो नहीं रही है तो आप एलिजिबल हैं। तो मिस्टर सी आप हो गए एलिजिबल, वेरी गुड। अब जब ये एलिजिबल हो गए, अब दूसरा स्टेप क्या आ जाता है, इनकी प्रेजम्प्टिव इनकम बता दो सर, बहुत आसान है, टोटल टर्नओवर 290 है, इसमें बैंकिंग मोड के थ्रू कितना आया है अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई 280 लाख, रिमेनिंग कितना हो गया 10 लाख, 10 लाख के ऊपर तो लगा दीजिए 8% और 280 के ऊपर लगा दीजिए 6%, 280 के ऊपर 6%, 10 के ऊपर 8%, ये तो 80,000 आ जाएगा, ये आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, ओके, मैंने कैलकुलेट करा हुआ है, चिंता ना करें आप, ठीक है, मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ से दिखा देता हूँ। अब देखिए मिस्टर सी के लिए हमने क्या देखा, मिस्टर सी यहाँ पर है, इनका टर्नओवर 3 करोड़ से तो ऊपर नहीं था, और जब हम परसेंटेज ऑफ कैश रिसिट्स देखी तो वो 3.44% आ गई, यानी कि सिंस इट इज नॉट मोर देन 5% देयरफॉर ही इज एलिजिबल। तो इसलिए मिस्टर सी को हमने बोल दिया आप सर एलिजिबल हैं, आपका स्वागत है यहाँ पर, ठीक है। तो इनको बोलेंगे, फिर बोलेंगे ठीक है सर आप मुझे बता दो कि मुझे कितनी इनकम मेरी बनेगी। अच्छा ये टैक्स है या इनकम है, ये प्रिजम्प्टिव इनकम है, इसके ऊपर तो आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा, इंडिविजुअल है तो अपने स्लैब रेट्स वगैरह के हिसाब से जो टैक्स बनेगा वो देंगे, ये इनकम है राइट, ये टैक्स नहीं है, इसके ऊपर तो टैक्स बनेगा राइट, ये पीजीबीपी की इनकम है, इनकी प्रेजम्प्टिव इनकम है, प्रेजम्प्टिव टैक्स नहीं है, प्रेजम्प्टिव इनकम है, ये इनकी पीजीबीपी की इनकम है, दिस नथिंग बट पीजीबीपी राइट। हाँ जी, तो 280 का 6% लिया था, 10 लाख का 8% लिया था, टोटल करके आया 17.6 लाख, तो 17.6 लाख इनकी बन जाएगी प्रेजम्प्टिव
पीजीबीपी, ये इनका पीजीबीपी है, ठीक है, इसको टैक्स मत बोल देना, ये पीजीबीपी, इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे आप। ओके, अब मिस्टर डी के लिए भी देख लेते हैं। सर मिस्टर डी का टर्नओवर है 310 लाख, सर इनको तो मना ही कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास तो टर्नओवर की लिमिट 2 करोड़ होती है, कुछ लोगों के लिए 3 करोड़ होती है, 3 करोड़ से अगर आप ऊपर हैं सर आप तो एलिजिबल ही नहीं है, सीधा सीधा मना कर दीजिए ऑन द फेस ऑफ इट। ओके ठीक है, तो ये वाली अमेंडमेंट भी आपको करनी है 3 करोड़ वाली, जो आप आई बिलीव अच्छे से समझ रहे होंगे। वापस आ जाते हैं, अब कुछ नॉर्मल सी बातें हैं, जो पुरानी बातें हैं, कुछ इसमें कुछ खास नहीं है। ऑन पेज नंबर 5.24 पर आ जाइए, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। नो फर्दर डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 32-38। अब इनको कोई और डिडक्शन नहीं मिलती है, क्योंकि ऑलरेडी जब इनको प्रिजम्पटिव स्कीम में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो इनको कोई और डिडक्शंस नहीं मिलती है। ये बोलेंगे सर मुझे डेप्रिसिएशन दे दीजिए, अरे नहीं सर, आपको तो हम मानेंगे कि वो सारी डिडक्शंस आपको ऑलरेडी प्रिज्यूम हो गई हैं कि मिल गई हैं, राइट, डीम टू बी प्रोवाइडेड। तो असेसी कैनॉट क्लेम अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अच्छा, इनका अगर फॉर एग्जाम्पल ये इस साल प्रिजम्पटिव इनकम के स्कीम के अकॉर्डिंग इन लोगों ने टैक्स निकाल दिया अपना, ठीक है, या इनकम अपनी कंप्यूट कर दी उसके ऊपर टैक्स निकाला, बट इनके पुराने अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आ रहा था, ये पुराना ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज आ रहे थे, तो क्या ये अपनी प्रिजम्पटिव इनकम से अपने पुराने अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन या पुराना, क्योंकि इस साल का तो डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है सेक्शन 30 से लेकर 38 डीम टू बी प्रोवाइडेड, बट सर अपना पुराना क्या अपना अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि पुराना तो कभी मरता नहीं है, वो तो इनफिनिट ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। तो देखिए अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 में कवर्ड होता है, राइट, और सेक्शन 32 हम इनको अलग से देंगे नहीं, वो तो डीम टू बी प्रोवाइडेड है। तो अगर फॉर एग्जांपल इनका कोई पुराना अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आ रहा है तो वो ये अपना प्रिजम्पटिव इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, बिकॉज वो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 में कवर्ड होता है, राइट, और इनको हम सेक्शन 30 से लेकर 38 की कोई डिडक्शन नहीं देंगे, ठीक है, अलग से नहीं देंगे, करेक्ट, क्योंकि हम जानते हैं सेक्शन 28 से लेकर 43 सी तक इनको हम मानते हैं कि हम इसको ओवरराइड हो जाते हैं, ये अगर ये सेक्शन 44AD, 44ADA या 44AE, जब मैं बातें करूंगा उसकी, अगर आप प्रेजेंट स्कीम में आते हैं तो हम आपको ये सेक्शंस आपके ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। हाँ, कोई दूसरे सेक्शंस होंगे जो 28 से पहले होंगे या 43 के बाद होंगे, वो आपके लिए अप्लाई हो जाएंगे, बट ये सेक्शंस आपके लिए अप्लाई नहीं होंगे, राइट। अब मैं ऐसे में बोलता हूँ जैसे कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, अब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस अगर पुराने लॉसेस आ रहे हैं तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस सेट ऑफ हो सकते हैं, हम सेट ऑफ का चैप्टर जब हम रिवाइज करेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि वो सेक्शंस आते हैं सेक्शन 70 से लेकर 80 के बीच में, तो सेक्शन 70 से लेकर 80 के बीच में आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस वगैरह आते हैं, तो प्लीज मुझे बताइए क्या प्रिजम्पटिव इनकम अगर आ रही है आपकी इस साल प्रिजम्पटिव इनकम है और पुराने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को तो आपने मना कर दिया क्योंकि वो 32 का पार्ट होता है, आपने उसको मना कर दिया, बट पुराने ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस ने बोला कि क्या वो सेट ऑफ हो सकते हैं इस प्रेजेंटिव इनकम से, द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि वो 28 से 43 में नहीं आते ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस, वो तो सेक्शन 70 से लेकर 80 के बीच में आते हैं, इसीलिए ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस हम इससे सेट ऑफ कर सकते हैं। तो यही बातें यहां पर लिखी हुई हैं। वैल्यू ऑफ असेट्स, क्योंकि हम आपको अलग से डेप्रिसिएशन तो दे नहीं रहे, बट आपकी असेट्स की वैल्यू क्या हर साल डेप्रिशिएट होगी? हाँ, हम उसको मान लेंगे कि उसका डीम डेप्रिसिएशन जो उसका बनता है वो उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, बट एक्चुअली हम दे नहीं रहे डेप्रिसिएशन, बट यस, ऐसा नहीं है कि आपका असेट की हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पर ही कैरी करेंगे आप, नहीं, उस पर डीम डेप्रिसिएशन तो मानेंगे कि डेप्रिसिएशन का इफेक्ट दिया जा रहा है, राइट। अगर एक पार्टनरशिप फर्म है तो क्या वो अपने पार्टनर्स को इस प्रेजम्पटिव इनकम से रेमुनरेशन दे सकती है? मना कर दिया कि इस प्रेजम्पटिव इनकम, क्योंकि आपको पता है पार्टनरशिप फर्म भी LLP नहीं ले सकती, बट पार्टनरशिप फर्म तो प्रेजम्पटिव स्कीम ले सकती है, तो क्या पार्टनरशिप फर्म अपनी इस प्रेजम्पटिव इनकम से अपने पार्टनर्स को रेमुनरेशन जो हमने 40 स्मॉल बी में पढ़ा था, क्या वो दे सकती है? मना कर दिया, नहीं, आप नहीं दे सकते हैं। और अगर आप प्रेजम्पटिव स्कीम ले रहे हैं तो मैंने आपको क्या कहा था, एक थंब रूल है कि बहुत बड़े असेसीज को नहीं मिलता, ठीक है, जो स्मॉल असेसीज हैं, आप अपने पैरामीटर भी देख लिया, 3 करोड़ या 2 करोड़ आपकी टर्नओवर है, उससे ज़्यादा नहीं, अगर ज़्यादा है तो आप नहीं ले सकते। तो ये स्मॉल बिजनेसेस हैं इनके, तो इनको बोल दिया कि अगर आप प्रेजम्पटिव स्कीम में आते हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑडिट भी कराने की जरूरत नहीं है, तो नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या ऑडिट भी जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आप एक बार प्रेजम्पटिव स्कीम ले रहे थे, अगर आपने प्रेजम्पटिव स्कीम ले ली थी और बाद में
आप अपने नॉर्मल प्रोविजंस में आना चाहते हैं तो क्या आ सकते हैं? द आंसर इज यस, आ तो सकते हैं, बट नेक्स्ट 5 ईयर्स तक फिर वापस आप प्रिजम्पटिव स्कीम में नहीं जा सकते। तो ये बात भी प्लीज नोट कर लीजिएगा, अगर कोई एसएससी प्रिजम्पटिव स्कीम ले रहा था और वो बाद में शिफ्ट होता है नॉर्मल स्कीम में, तो फिर हम उसको नेक्स्ट 5 ईयर्स तक वापस प्रिजम्पटिव स्कीम में नहीं जाने देंगे, राइट? ओके, क्या एडवांस टैक्स की? अब एडवांस टैक्स हम लोग पढ़ेंगे अपना TDS, TCS और एडवांस टैक्स वाले चैप्टर में हम लोग इसकी बारे में पढ़ेंगे, तो क्या इनके ऊपर एडवांस टैक्स की भी प्रोविजंस लगते हैं? ये बातें अगेन MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज MCQ के लिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है? क्या इनके ऊपर, और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एडवांस टैक्स में क्या होता है, 4 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, 15 जून को आपको एक देनी होती है, फिर 15 सितंबर को, 15 दिसंबर को, 15 मार्च को लास्ट इंस्टॉलमेंट देनी होती है, तो क्या इनके ऊपर एडवांस टैक्स के भी प्रोविजंस लगते हैं? आंसर इज यस, लगते तो हैं, बट इनको 4 इंस्टॉलमेंट्स नहीं देनी, इनको बस एक लास्ट में ही अपना सारा का सारा एडवांस टैक्स देना होता है, 100% इनका लास्ट में ही दिया जाता है। ये बातें हम एडवांस टैक्स में भी पढ़ेंगे, बट मैं चाहूंगा कि आप इसको यहां पर ही एक बार याद रखें। तो एसएससी जो ऑप्ट करते हैं प्रिजम्पटिव स्कीम में 44AD में, इनके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आती तो है, बट 4 इंस्टॉलमेंट्स में नहीं आती, इनकी एक ही इंस्टॉलमेंट जाएगी, वो भी लास्ट वाली 100%, जो भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी 15 जून को, 15 सितंबर को या 15 दिसंबर को जानी होती है, वो हम नहीं लेंगे आपसे, हम आपकी 100% ले लेंगे बट मार्च में, यानी कि पूरा का पूरा आपका एडवांस टैक्स बिल्कुल लास्ट में हम आपसे जाकर लेंगे 15 मार्च में। सेम ये था 44AD, और यही कंसेप्ट ना 44ADA में भी है, 44AD में भी यही कंसेप्ट है कि एडवांस टैक्स की सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट जानी है आपकी लास्ट में, 100% ऑफ योर एडवांस टैक्स लायबिलिटी। 44AE में ऐसा नहीं है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, अभी मैं आपको 44AE भी पढ़ाऊंगा, 44AE में ऐसा नहीं है, 44AE में आपकी 4 इंस्टॉलमेंट आती हैं, प्लीज ये बात याद रखिएगा, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है बात। तो हमारे जो दो सेक्शन है 44AD और 44ADA, वहां पर तो एक ही इंस्टॉलमेंट है, बट 44AE में 4 इंस्टॉलमेंट है, ओके। नेक्स्ट सेक्शन आता है 44ADA, 44ADA, काफी, अब जितनी बातें मैंने 44AD में करी थी काफी आप देखेंगे कि काफी सिमिलर है 44ADA में भी। अच्छा मुझे बताइए 44ADA होता किसके लिए है? 44ADA होता है जो एसएससी नोटिफाइड प्रोफेशंस कैरी करता है, ऑल प्रोफेशंस के लिए नहीं होता, अगर एसएससी नोटिफाइड प्रोफेशंस कैरी कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था अगर लीगल प्रोफेशन है या मेडिकल प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट एक्सेट्रा, ठीक है, फिल्म आर्टिस्ट वगैरह, उन लोगों के लिए 44ADA आता है। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, मेडिकल प्रोफेशनल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेटर, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो लोग यहाँ पर आते हैं जो लोग प्रोफेशन कैरी कर रहे हैं। अब देखिए प्रोफेशंस कौन कौन कैरी कर सकता है, इंडिविजुअल कैरी कर सकता है, हाँ ठीक है, HUF कैरी कर सकती है, द आंसर इज नो, HUF देखो लॉजिकल है ना, ठीक है, HUF तो कोई प्रोफेशन कैरी कर सकती है, पार्टनरशिप फर्म कैरी कर सकती है, द आंसर इज यस, पार्टनरशिप फर्म तो कर सकती है, 2-3 प्रोफेशंस मिलके, आपको पता है CA फर्म्स होती हैं, तो फर्म्स तो होती हैं, ठीक है, HUF बिजनेस नहीं होता वो, ठीक है, उनको पार्टनरशिप फर्म बनाना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल फादर हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका बेटा या बेटी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं, ठीक है, तो वो दोनों मिलकर अगर वो उनको अपने बेटे को या बेटी को अपना पार्टनर बना लेते हैं तो क्या करेंगे, फर्म की तरह रजिस्टर्ड कराएंगे, तो फर्म तो प्रोफेशनल्स हो सकती है, HUF नहीं हो सकती, ऐसा नहीं कि पूरे पूरा HUF को बना के प्रोफेशनल्स बना देंगे, नहीं, HUF प्रोफेशन नहीं हो सकती। तो देखिए इनकम टैक्स ना, मैं मानता हूँ कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं, वॉल्यूमनेस है, बट अगर आप लॉजिक के साथ चीज़ों को देखेंगे तो आप मान समझेंगे कि ये लॉ इसलिए इस तरीके से बना हुआ है, तो आप उसको उसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, राइट? तो ऑब्वियसली 44ADA में, अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो याद करते हैं कि 44ADA में तो इंडिविजुअल, AD वाला जो भी हमने पढ़ा उसमें तो इंडिविजुअल भी आता है, HUF भी आता है, पार्टनरशिप फर्म भी आती है, एक्सक्लूडिंग LLP, यहाँ पर HUF नहीं आती, वो इस तरीके से याद करेंगे, बट प्लीज लॉजिक लगाइए ना कि प्रोफेशन तो HUF कर ही नहीं सकती ना, करेक्ट? तो एन इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म एक्सक्लूडिंग LLP ऑब्वियसली यहाँ पर भी है, और देखिए मैंने लिख भी दिया है कि HUF 44ADA में कवर नहीं होती, और याद करने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल है, कवर्ड हो ही नहीं सकती, ठीक हो, राइट? ये लोग होते हैं नोटिफाइड प्रोफेशनल हु आर नॉट एलिजिबल, तो वही बात है, सेम बात मैं बताऊंगा कि जो लोग, जिनका काफी बड़ा प्रोफेशन है, जिनका ग्रॉस रिसेट्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसेट्स का मतलब एक ही होता है, बट हाँ हम प्रोफेशंस के लिए मेनली टर्नओवर नहीं बोलते, सेल्स नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, उनकी रिसेट्स मिल रही है उनको क्लाइंट से, तो ग्रॉस रिसेट्स बोलते हैं।
यहां पर क्या अमेंडमेंट आई है, बिल्कुल सिमिलर अमेंडमेंट है वैसे ही जैसे कि 44AD में थी। अगर आपकी कैश ट्रांजेक्शंस ज्यादा नहीं है, कैश रिसिट्स जो आपने ली हैं वो ज्यादा नहीं है, तो हमने आपकी लिमिट थोड़ी बढ़ा दी। पहले क्या होती थी, 50 लाख होती थी सब लोगों के लिए, तो 50 लाख की लिमिट खत्म नहीं हुई है, अभी भी है 50 लाख की लिमिट अभी भी है। बट हाँ, कुछ लोगों के लिए लिमिट अब हम 75 लाख कर रहे हैं जिनकी कैश रिसिट्स 5% तक है, राइट, सेम कंसेप्ट आ जाएगा। तो एनी प्रोफेशन इफ ग्रॉस रिसिट्स ऑफ प्रीवियस ईयर एक्सीड्स 75 लाख वो एलिजिबल नहीं होगा, यानी कि जिसकी 75 लाख तक ही है ग्रॉस रिसिट्स वो एलिजिबल होगा, राइट। बट 75 लाख वाली लिमिट किसके लिए देखिएगा आप, जिसकी कैश ट्रांजेक्शंस बिल्कुल कम से कम कितनी हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5%। अगर इनकी कैश ट्रांजेक्शन ज्यादा है तो हम आपके लिए लिमिट 50 लाख की ले लेते हैं। और जब भी हम कैश की बातें करते हैं तो आप लोग जानते हैं बेरर चेक और क्रॉस चेक भी कैश की तरह ही ट्रीट किया जाता है, अकाउंट पे ही चेक तो फिर बैंकिंग मोड आ जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात आ जाती है, हाउ मच इज द प्रेजम्प्टिव इनकम, तो यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर वो 6 और 8% वाला भी कंसेप्ट नहीं है कि कैश में कितने आया नॉन कैश में कितना आया, यहाँ पर सिंपल है जितनी भी आपकी ग्रॉस एसेट्स हैं, ठीक है, आपके ऊपर 50 लाख वाली टर्नओवर की लिमिट लगी थी या 75 लाख की टर्नओवर की लिमिट लगी थी, जैसा भी केस था आपकी टर्नओवर कैश की ट्रांजेक्शन का, तो यहाँ पर हम सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन सिर्फ इसके लिए देखते हैं कि आपकी आपके हमें लिमिट कितनी लगानी है आपके ऊपर। प्रेजम्प्टिव इनकम कितनी होगी, जितनी भी आपकी ग्रॉस रिसिट्स है 50% मिनिमम है। अगर असेसी सर 51% 52% से ज्यादा देना चाहेगा तो उसको मना कर देंगे क्या, मना नहीं करेंगे, वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे, मिनिमम 50% है, ठीक है। क्या इनकी एडवांस टैक्स की ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं, आती हैं, बट बिल्कुल लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट पर, सिर्फ एक ही इनकी इंस्टॉलमेंट इनको देनी होती है लास्ट में 100% वाली 31 मार्च को, इनके लिए जून में 15 जून को 15 सितंबर को 15 दिसंबर वाली इंस्टॉलमेंट्स इनके लिए नहीं आती, राइट। और बाकी बातें बिल्कुल सिमिलर हैं, तो ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बातें सिमिलर हैं जैसे कि बातें मैंने अभी 44AD में की थी, ठीक है। इनको ये सेक्शंस की डिडक्शंस वगैरह नहीं मिलती, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नहीं ले पाएंगे, हाँ पर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस वगैरह ले कर सकते हैं अपने प्रेजम्प्टिव इनकम से। अब जो लास्ट सेक्शन हमारे सिलेबस में है प्रेजम्प्टिव स्कीम का, वो है 44AE। 44AE में कौन लोग आते हैं, स्पेसिफिकली ये बना हुआ है गुड्स कैरेज के लिए, जिनका काम है प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज। गुड्स कैरेज किराए पर देने का चलाते हैं, गुड्स कैरेज इनका बिजनेस है। बट फिर अगेन, इनका बहुत बड़ा अगर बिजनेस है तो यहाँ पर नहीं आ सकते। तो क्या क्रिटेरिया है यहाँ पर कि छोटे बिजनेस को हम किसको हम मानेंगे छोटा बिजनेस, अगर आपके पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 व्हीकल्स हैं, बस अगर आपके पास 10 व्हीकल्स हैं तो आप एलिजिबल हैं। बट अगर आपके पास 11 व्हीकल्स हो गए पूरे साल में, कभी भी पूरे साल में एक दिन भी अगर आपके पास, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि जब ईयर शुरू हुआ आपके पास 10 थे, जब ईयर खत्म हुआ जब आपके पास 10 थे, बट आपने बीच में एक एक्स्ट्रा परचेज कर लिया था, फिर बाद में उसको बीच में बेच दिया था, बट बीच में जैसे ही आपने परचेज किया था, अगर आपके पास वो नंबर 11 आ गया तो फिर हम आपको बोलेंगे आप एलिजिबल नहीं है। यानी कि वो लोग एलिजिबल हैं जिनके पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 व्हीकल्स हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों ही कवर्ड, राइट, एंड हु ओन्स नॉट मोर देन 10 गुड्स व्हीकल एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, राइट। तो आपकी हम कितनी प्रेजम्प्टिव इनकम मानेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास हैवी गुड्स व्हीकल है या नॉन हैवी गुड्स व्हीकल है। तो ये हैवी गुड्स व्हीकल का क्या क्राइटेरिया बनाया गया, अगर वो हैवी गुड्स व्हीकल माना जाएगा कि अगर उसका वेट 12,000 kg मतलब 12 टन से ज्यादा है तो वो हैवी गुड्स व्हीकल माना जाता है, अगर 12 टन से उसका व्हीकल वेट कम है तो वो अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल माना जाता है। अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल के लिए सिंपल है, 7,500 per month per vehicle 7,500 per month per vehicle, और अगर पार्ट ऑफ द मंथ आ रहा है तो उसको भी हम फुल मंथ ही मानेंगे। यानी कि अगर आपके पास कोई व्हीकल 7 महीने 10 दिन था तो हम इसको 8 months मानेंगे, 8 months into 7,500, right? 7,500 per month और part of the month for each such vehicle, कौन सा vehicle? जिसका gross vehicle weight 12 tons मतलब 12,000 किलो से कम होता है वो आते हैं, या फिर 12,000 किलो तक होता है, बट अगर 12,000 किलो से ऊपर है हम उसको heavy goods vehicle मानते हैं। heavy good, तो light goods vehicle एक तरीके से इसको मैं अभी फिलहाल के लिए नाम light goods vehicle या medium goods vehicle दे रहा हूँ, तो वो लोग यहाँ, वो ऐसे व्हीकल यहाँ पर आएंगे, उनके लिए क्या लेना है 7,500 per month per vehicle की इनकम माननी है उनकी।
ठीक है, प्रिजम्पटिव इनकम कितनी मानी है 7,500 रुपए पर मंथ, अगर पार्ट ऑफ द मंथ आप ओन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर यूज से फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर यूज से फर्क नहीं पड़ेगा, आप अगर ओन कर रहे हैं उसको तो हम मान लेंगे कि आप इसके ओनर हैं 7500 पर मंथ। इन केस अगर आपका हैवी गुड्स व्हीकल है, मतलब 12,000 किलो से ज्यादा उसका वेट था व्हीकल वेट, तो वो हैवी गुड्स व्हीकल माना जाएगा। उसके लिए हम लोग आपका कितने टन का व्हीकल है, सर बहुत बड़ा व्हीकल है 12,000 से ज्यादा का व्हीकल है, हो सकता है कि आपका 20,000 टन वाला व्हीकल है, बहुत बड़ा ट्रक है, हो सकता है आपका 16,000 केजी वाला ट्रक है, हो सकता है आपका 14,000 केजी वाला ट्रक है, ठीक है। तो कैसा ट्रक है आपका, क्योंकि 12,000 से बड़ा तो कितना भी बड़ा हो सकता है। आप लोग देखते हैं कभी रात के समय अगर हाईवे पर निकल जाए तो कितने बड़े बड़े ट्रक्स चलते हैं, राइट। तो कोई 14,000 केजी का है, 16,000 केजी का है, 20,000 केजी का है, तो ये सब हैवी गुड्स व्हीकल है। तो सबके लिए क्या हम एक ही वैल्यू रख दें, नहीं। अब इनका क्या करेंगे, इनके पर टन के हिसाब से हम इनको वैल्यू दे देंगे। तो हम बोलेंगे कि आपका हर 1,000 के ऊपर, हम आपको हर 1,000 टन के ऊपर जो वेट मानेंगे वो 1,000 रुपीज मानेंगे, टन मतलब 1,000 केजी होता है। तो इसका कितना मानेंगे, जो 14,000 केजी का व्हीकल है 14,000 रुपीज पर मंथ, 16,000 केजी का कोई व्हीकल है तो इसको मानेंगे हम 16,000 पर मंथ। अगर इसका वेट 20,000 केजी है तो इसका कितना प्रिजम्प्टिव इनकम मानेंगे, 20,000 पर मंथ। तो 1,000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। वही बात है, अगर आपके पास कोई व्हीकल है फॉर एग्जाम्पल 16,000 केजी का और वो आप ओन कर रहे थे 10 महीने 29 डेज तक, सबसे पहले 10 महीने 29 डेज को तो हम ले लेंगे 11 मंथ्स, राइट। और क्योंकि 16,000 केजी का आपका ये व्हीकल है तो इसकी प्रिजम्पटिव वैल्यू क्या मानेंगे पर मंथ की, 16,000 रुपीज, हर 1,000 के ऊपर 1,000 रुपीज, ठीक है, 1,000 रुपीज पर टन, 1,000 केजी कह रहा हूँ मैं, हर 1,000 केजी के ऊपर 1,000 रुपीज, या फिर मैं 1,000 केजी को पर टन भी बोल सकता हूँ। 16,000 केजी का ये व्हीकल है, मतलब 16 टन का व्हीकल है, 16 टन का मतलब 16,000 रुपए हो गए। तो 16,000 इंटू 11 ये आपका व्हीकल की प्रिजम्पटिव इनकम हो जाएगी, राइट। ओके, अब एक छोटी सी बात, यहाँ पर जो अदर पॉइंट्स हैं वो सिमिलर हैं, काफ़ी कुछ सिमिलर है 44AD के लिए, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पर, डिफरेंस ये है कि अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है, फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप फर्म है, तो ये लोग रेमुनरेशन माइनस कर सकते हैं, वो लोग नहीं कर सकते थे, एडी वाले और एडीए वाले रेमुनरेशन माइनस नहीं कर सकते थे, बट इन लोगों के लिए रेमुनरेशन माइनस करना अलाउड हो जाता है प्रिजम्पटिव इनकम से भी। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी एडवांस टैक्स की ऑब्लिगेशंस, इनकी एडवांस टैक्स की ऑब्लिगेशंस चारों इंस्टॉलमेंट्स की आती है, सिर्फ मार्च वाली ही नहीं, इनकी चारों इंस्टॉलमेंट्स की एडवांस टैक्स की ऑब्लिगेशंस आती है, राइट। सो दिस वाज अबाउट प्रिजम्पटिव इनकम, ये सारी बातें हमने प्रिजम्पटिव इनकम के बारे में की थी, ये हम एग्जाम्पल कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑफिशियली पीजीबीपी यहाँ पर खत्म होता है, मुझे एग्रीकल्चर इनकम की बातें करनी है, अब मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर। और साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने MCQs की प्रैक्टिस करते रहिए, मैंने आप लोगों के लिए फ्रीली अवेलेबल करा दिए हैं MCQs, आप वेबसाइट पर जाइए, जैसे आपने ये बुक डाउनलोड की थी, डाउनलोड सेक्शन के बराबर में ही MCQ का सेक्शन मिलेगा, MCQ सेक्शन में जाइए और वहाँ पर आपके MCQs हैं, प्लीज़ उसको करना शुरू करिए। इनफैक्ट मैंने सारे के सारे कंसेप्ट, हर चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स मैंने वहाँ पर कवर किए हैं। अगर आप वो चैप्टर ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं तो सिर्फ आप अगर MCQ भी करेंगे ना, अगर आप 10 मिनट बैठ के 15 मिनट बैठ के मैक्सिमम वो MCQ भी करेंगे उस चैप्टर का, आप देखेंगे कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिवाइज आराम से हो जाएगा। चलिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।